एचडीएफसी सिक्योरिटी से दिवर्ष वकील हमारे साथ हैं। दिवर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईटी नाउ स्वदेश में। बताएं आज कौन सी खास वेल रिसर्च्ड पिक्स आप हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर आए? कंट्रेरियन पिक्स मैं लेके आया हूँ, जो अभी हमारे दूसरे गेस्ट ने भी बताया कि जब मार्केट में किसी शेयर की प्राइस गिरती है और वो जब नीचे जा रहे होते हैं तब हमें हिम्मत जुटानी होती है और उस वक्त हमें उनको खरीदारी करनी होती है। तो मेरे दो वैल्यू पिक्स हैं। एक तो मुझे लगता है कि जो अभी डिक्लाइन आ रही है आईटी सर्विसेज में, वो अभी लास्ट लेग में है। आईटी कंपनी के जो पी मल्टीपल्स हैं वो अभी ऑलरेडी 30% ईयर टू डेट गिर चुके हैं, जबकि अर्निंग में जो गिरावट है सिर्फ वो 5% की है। अभी हाल ही में हमारी कंपनी ने एक आईटी सर्विसेज कॉन्फ्रेंस की थी और 22 कॉर्पोरेट्स को, बड़े और छोटे, टायर वन और टायर टू, सबसे हमने बातचीत की और उससे हमें पता चल रहा है कि जो ये डिमांड है वो सस्टेनेबल है और जो कॉन्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज है वो ये करंट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन से उभर के जारी रहेगी। डील पाइपलाइन अभी भी जारी है, लार्ज डील्स इंडिया की आईटी कंपनियों को मिलती रहेगी। तो जो आईटी के बड़े दिग्गज शेयरों में जो गिरावट आई है, आप देख रहे हैं जैसे टीसीएस है, इंफोसिस है, ये अभी गिर रहे हैं, तो इसमें खरीदारी करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आज जब मार्केट खुलता है तब भी थोड़ा गिर सकते हैं, तो तब खरीदें। यहाँ से थोड़ा 5-7% की गिरावट आए तो और उसमें ऐड कर सकते हैं। ये एक लास्ट लेग ऑफ गिरावट मुझे लग रही है। इंफोसिस की बात करें तो इंफोसिस में हमें लगता है कि अभी भी 14% से 12% का 2 साल का इबिट रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। इबिट मार्जिन 22% तक रहेगी और आगे के वैल्यूएशन के हिसाब से अभी काफी नीचे है, तो यहाँ पे खरीदें, थोड़ा नीचे एवरेज करें तो अगले 3 से 6 महीने में मुझे लगता है कि जब सेंटिमेंट इम्प्रूव होगा तब ये वापस ऊपर की ओर जाने लगेगा और 1 साल में हमारा 1800 रुपए का टारगेट है। ठीक है, ये तो आपकी इंफोसिस पर एक राय रही। तो ये आईटी पैक से इंफोसिस लार्ज कैप आईटी को बाय करने की सलाह दे रहा है। कोई बैंक से भी आपके पिक है दिवर्ष? जी, अभी हाल ही में हमने देखा था कि पिछले 2 साल में बैंकिंग अंडर परफॉर्म कर रहा था, धीरे धीरे अभी बैंकिंग में तेजी आ रही है, काफी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे है। फिर भी ऑल टाइम हाई पे होने के बावजूद भी उसमें काफी वैल्यू दिख रही है। मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है क्रेडिट ग्रोथ का वो अगले 2 साल चालू रहेगा और उसके पीछे प्राइवेट सेक्टर बैंक तो अच्छा करेगी, पर एक पीएसयू बैंक में भी री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी है। और जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर गया उसमें जो मार्क टू मार्केट लॉसेस आए थे वो ट्रेजरी यील्ड के हिसाब से आए थे। वो ट्रेजरी यील्ड 7.14 साल के पहले थी, वो 6.95 हो गई थी, वापस 7.45 हो गई थी, तो उसके कारण काफी लॉसेस आए थे। वो धीरे धीरे अभी नीचे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट्स जो नीचे आए उससे काफी मार्क टू मार्केट प्रॉफिट होगा। फॉर द एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे SBI का 6,000 करोड़ का प्रॉफिट था तो उसमें और 6,000 करोड़ का मार्क टू मार्केट लॉस था, और वो लॉस अगर रिवर्स होता है तो आप क्यू देखेंगे कि तो उसका प्रॉफिट 6,000 से 12,000 करोड़ हो जाएगा एक क्वार्टर में, बाकी का बिजनेस सेम रहे तो ही। बाकी के बिजनेस में भी अच्छा क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है, तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में भी एक बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी है। उसमें कैनरा बैंक अभी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हमें लगता है कि जो FY23 की एडजस्टेड बुक है उसके करीबन 0.9 टाइम्स ही मिल रहा है, तो अभी थोड़ा खरीदें। डिप्स आती है तो 230 में और ऐड करें। 290 का हमारा शॉर्ट टर्म का 6 महीने का टारगेट है और मुझे लगता है 1 साल में आपको 318 तक का भी प्राइसेस दिख सकते हैं अगर क्रेडिट ग्रोथ चालू रहे और जो यील्ड्स में गिरावट है उसके पीछे मार्क टू मार्केट प्रॉफिट, जो पहले लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो, तो पीएसयू बैंक्स में मुझे लगता है कि एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ओके दिवर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, दो बहुत शानदार कॉल्स आपने दी। इंफोसिस 1800 रुपए की तैयारी कर रहा है अगले 12 महीने में और कैनरा बैंक, इनफैक्ट कैनरा बैंक या दूसरे पीएसयू बैंक्स में आपको डेकेडल ब्रेकआउट मिल रहा है, 10 साल का सबसे बड़ा ब्रेकआउट ऑलरेडी प्ले आउट हो रहा है। कैनरा बैंक पीएसयू पैक में से दिवर्ष की टॉप पिक है। लेकिन